चलिए बढ़ते आगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि अब भी विधानसभा का चुनाव वो लड़ना चाहती हैं, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही करना है। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, अक्सर आपके बयान में मैंने सुना था मैं और मेरा कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, लेकिन अब दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। ये तो मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी की एक परंपरा रही है, जब हम विपक्ष में होते हैं उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा अमूमन पहले घोषित नहीं किया जाता, और चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद उस समय जब हमारी मीटिंग होती है MLAs की, तब हाईकमान पर छोड़ा जाता है इन बातों को। ये हाईकमान का अधिकार है कि वो किसको अपना मुख्यमंत्री बनाए। अब जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है उसमें तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं उसमें लगता है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग एक ही नदी के दो किनारे नजर आते थे, लेकिन अब नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और कांग्रेस पार्टी में एकजुटता अब देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आपका और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कहीं कोई सीटों को लेकर समझौता भी हो चुका है। नहीं, ऐसे देखो, इस तरह की समझौता या समझौता ना होना इस तरह की कोई बात है नहीं। बात यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है और वो हम सब से अपने अपने सुझाव ले रही है और डिस्कस कर रही है, तो वहाँ होना है। आपस में समझौते का तो क्या मतलब होता है, कोई आपस में बांटना या ऐसा थोड़ा, ये तो पार्टी का फैसला होगा। स्क्रीनिंग कमेटी एक एक सीट को देखेगी और उस हिसाब से फैसला करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अब तमाम जो 90 सीटें हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में जा चुकी हैं, बंटवारा वहीं से होना है, सिर्फ सिफारिशें वहां तक जाएंगे। नहीं देखो, रूमर्स को आप मत वो करिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमारी पार्टी का एक सिस्टम है कि एक पूरी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के बाद तो देखो जो हमारे लीडर हैं उसमें कोई कहने की भी बात नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, सोनिया जी हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं, तो और ऊपर मतलब केंद्रीय चुनाव समिति है और फिर फैसला आखिर में हाईकमान उन्हीं के हाथों होता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। 90 की 90 सीटें उन्हीं के हाथों से तो निकलेंगी, उन्हीं का स्टैंप लगेगा। ये कांग्रेस संदेश यात्रा, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा आप कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक यात्रा आपने की थी, अब इस यात्रा का असर भी दिखने लगा है। आने वाले विधानसभा चुनाव पर इस यात्रा का आप कितना असर मान रहे हैं और किस तरह के समीकरण इस वक्त प्रदेश में बनते नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा सामने रख रही है, तमाम नियमों को तोड़ा जा रहा है, चाहे वो परिवारवाद का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग सर क्या करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार परिवारवाद पर खबरें तो नहीं चलेंगी। अब उन्हें पता चलेगा ना कि असली राजनीति कैसे की जाती है। पहले बातें करना आसान था इनके लिए और कांग्रेस की ओर उंगलियां उठाना भी बहुत आसान था इनके लिए, लेकिन अब देखेंगे कि क्या होता है जमीन पर कैसे। तो भाजपा को छोड़ दीजिए, इन्होंने केवल बातें ही बातें की हैं, जमीन पर कुछ करके दिखाते तो आज इनका ये हाल ना हो। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, ये लोगों ने फैसला कर रखा है, सरकार बनेगी हमारी और भाजपा चाहे कुछ भी अब करें, टिकटें करें, ये करें, वो करें, अब इससे कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये ज़रूर है कि हम कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर नज़र रखते हुए हम ये बात करेंगे, फैसला अच्छा होगा और सरकार हमारी बनना तो तय है, बहुत बढ़िया ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बने, हम सभी इस ओर प्रयास करेंगे। निर्दलीय कांग्रेस पार्टी का गेम बिगाड़ सकते हैं क्योंकि बड़ी तादाद में जो जिताऊ उम्मीदवार हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खेमे में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में निर्दलियों की बड़ी संख्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़ी संकट का कारण बन सकती है? पिछली बार काफ़ी लोग निर्दलीय खड़े हुए, वो तो था पिछली बार, लेकिन पिछली बार इतनी क्लैरिटी नहीं आई थी। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि पिछली बार बदलाव आया था हरियाणा कांग्रेस संगठन में, बहुत एक महीना पहले, बहुत आखिर में जाकर बदलाव आया, PCC प्रेसिडेंट और CLP
बदले गए तो ज़्यादा समय नहीं मिला था, लोगों में असमंजस सा था, लेकिन नीचे अंडर करंट ज़रूर था। और वही अंडर करंट था जो लोग कहते थे कि डबल डिजिट भी कांग्रेस की पता नहीं आएगी नहीं आएगी, कितने नंबर्स पे सीमित रह जाएगी। 75 पार का नारा लगता था भाजपा का, लेकिन हम 31 हमारी आई। इस बार चारों तरफ ये बात है, और पिछली बार एक थर्ड प्लेयर भी आपको दिखा जिन्होंने फिर बाद में जाके भाजपा के साथ वो मिले। इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात होगी, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का। और देखो हर चीज़ का असर पड़ता है। राहुल जी ने जब जब से हमारी केंद्र में भाजपा नीचे आई है, कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया अलायंस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, राहुल जी हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बने हैं, और उन्होंने जैसे मोदी जी को और केंद्र सरकार को घेरा है, ये सारी बातों का असर नीचे तक जाता है। तो इन सब बातों का आप असर देखेंगे। तो ये निर्दलीय, मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ विशेष निर्दलीय वाली बात कोई फैक्टर रहेगा, बल्कि जो तीसरी पार्टी का भी फैक्टर था वो भी नहीं। इस बार सीधा सीधा होगा भाजपा और कांग्रेस, और भाजपा एकदम क्योंकि डाउन हो चुकी है तो कांग्रेस पार्टी ही विकल्प लोगों को दिख भी रही है, और सरकार भी कांग्रेस की, लोग तो कब से शोर मचा रहे हैं। चलिए मेरा आखिरी सवाल, कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी लोकसभा से पहले, ये बयान सामने आया, फिर उसके बाद एक और दीपक बाबरिया की तरफ से बयान दे दिया गया कि विधानसभा नहीं लड़ सकते मौजूदा सांसद, अब एक और नया बयान आया है जिसमें कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, पार्टी आलाकमान तय करेगा, फिर भी किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की जा सकती है, तो आप खड़गे से बात करेंगे नहीं करेंगे, या कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीएम बना जा सकता है? देखो ये कई कई मुद्दे हैं। रही बात चुनाव लड़ने की, मैंने पहले भी कहा मेरी इच्छा है, लेकिन मैंने तब भी कहा और आज भी कहती हूँ कि ये फैसला हाईकमान करेगा, तो वो तो सीधी बात है ही, उसमें तो कोई एक परंतु को खड़गे साहब के पास लेकर एक फैन परंतु नहीं है, हाईकमान तय करता है ये, क्योंकि मैं लोकसभा एमपी भी हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो ये तो मतलब उस लेवल पे ही तय होती हैं ये चीज़ें, तो इसमें कोई ऐसी विशेष। दूसरी बात आपने कही मुख्यमंत्री की, तो देखो मुख्यमंत्री पद चाहे कोई, और बहुत से लोग हैं जो इच्छा रखते हैं, उसमें कोई ऐसी नई बात भी नहीं है, लेकिन ये फैसला हाईकमान का होता है चुनाव के बाद, तो अब हाईकमान किस पर क्या हाथ धरता है वो तो उस समय फैसला होगा। पूरी शिद्दत से यहाँ पर कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा सामने रख रही हैं, मर्यादा की सीमाओं को लांघने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साफ ये कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन तो उनका अभी भी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।